हर जीव के अंदर भगवान का कुछ न कुछ गुण है। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे मायापुर में, रोड के किनारे एक भक्त प्रभुपाद जी के साथ जा रहे थे, तो रोड पे काफ़ी घास फूस उग गया था। तो घास फूस पे भक्त बोला, प्रभुपाद ये सब घास जो है बेकार का घास उग गया है, इसको मैं सोच रहा हूँ कटवा के फेंक दूँ। तो प्रभुपाद बोले, तुम्हारा दिमाग बेकार हो गया है। बोले संसार में कोई चीज़ बेकार नहीं है, और बोले कि भगवान की सृष्टि में कोई भी चीज़ जो बनाई है भगवान ने वो बेकार नहीं है। फिर प्रभुपाद बताया कि जो जितनी घास है सबका कुछ न कुछ उपयोग है किसी काम में, किसी दवाई बनता है, किसी से कुछ बनेगा, किसी से कुछ। रोड पे ऐसे घास उगा रहता है, लेकिन प्रभुपाद बोले कि हमें पता नहीं है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बेकार है, लेकिन जिसको पता है भगवान से अगर पूछा जाएगा तो उसका 10 उपयोग बता देंगे। इस घास का 10 काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हर व्यक्ति का अंदर टैलेंट्स होता है कुछ। जो व्यक्ति सोचता है मैं किसी काम का आदमी नहीं, वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो उसको पता नहीं है कि भगवान ने उसको किस मिशन के लिए बनाया है। भगवान और उसके भक्त जो है वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो लगाते हैं उसके टैलेंट्स को। एक भक्त थे, वो पहले चोर थे, चोरी करते थे, तो जेल में बंद थे। भक्त में आने से पहले जेल में बंद हो गए थे। तो जेल से जब निकले तो भूख लगी थी, तो समोसे के दुकान पे चले गए। चोर समोसा खाने लगा। अब देखेंगे समोसा न्यूज़पेपर को काट के उसी पे समोसा देते हैं, तो उसने जिस न्यूज़पेपर पे समोसा खा रहा था उसी में देखा कि एक फ़ोटो लगा हुआ है, किसी स्वामी जी का फोटो है। तो स्वामी जी जो है लेक्चर दे रहे हैं ऐसे, तो उसने हाथ में देखा कि घड़ी है। घड़ी बहुत पसंद आएगा, बोला ये घड़ी तो स्वामी जी का लेना है, मेरे को चुराना है। तो उसने पेपर पूछा कई लोगों से पता कि कहाँ कौन स्वामी जी है, कहाँ रहते हैं, तो सबने बताया इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन के इंचार्ज है हेड। तो इस्कॉन का मंदिर था बॉम्बे में, तो कहाँ है मंदिर पता लगाया, तो जुहू मंदिर में पहुँच गया। बोला ये स्वामी जी कहाँ मिलेंगे, इनसे मेरे को मिलना है। तो भक्त लोग बोले कि स्वामी जी तो अभी बाहर हैं, इंडिया भ्रमण पे गए, एक महीने बाद आएंगे, तब तक तुम यहीं सेवा करो, एक महीने में आ जाए। भक्त लोग ढूंढते थे ना कोई मिल जाए, तो उसको लगा दिए, उसको किचन में सेवा दे दिए, कुकिंग करना है तुमको, तो कुकिंग करने लगा। उसी में चोरी वोरी करता था पैसा वैसा बीच बीच में। तो एक महीना बीत गया तो प्रभुपाद आए नहीं, तो उसने बोला इंचार्ज से टेम्पल के कि आप बोले थे एक महीने में आएंगे स्वामी जी, अभी तक आए नहीं है स्वामी जी, मैं और वेट नहीं कर सकता, मेरे को अर्जेंटली मिलना है। तो इंचार्ज सोचे कि बड़ा प्रभुपाद का बड़ा भक्त है ये, तो इट्स सो मच अटैच टू प्रभुपाद। बोला अब मैं नहीं रुका, मैं जा रहा हूँ, मैं ढूंढ लूँगा कहीं भी। तो बोला नहीं नहीं अभी ऐसा है, करो हैदराबाद में है प्रभुपाद जी, तुम तो हैदराबाद चले जाओ। तो टिकट विकेट कटा दिया उसका, हैदराबाद पहुँच गया। वहाँ पहुँचे तो प्रभुपाद बैठ के लेक्चर दे रहे थे, तो जाके लेक्चर में देखा हाथ भी देखा हाँ है, तो जाके आगे बैठ गया। आगे बैठ गया तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे, तो बार बार घड़ी पे देख रहा है। तो प्रभुपाद उसको देख लिए कि मेरी घड़ी देख रहा है। तो प्रभुपाद ने अपना घड़ी खोल के उसके हाथ में पकड़ा दिया, बोले ये लो ध्यान से सुनो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अद्भुत महात्मा है, ये कैसे जान गए कि मैं इसलिए आया हूँ। तो फिर बाद में प्रभुपाद ने उसको बुलाया, बोले ऐसा करो तुम वापस चले जाओ बॉम्बे, मंदिर में सेवा करो वहीं जाके। मंदिर जुहू मंदिर में सेवा लगा दिया प्रभुपाद ने उस चोर का। मैं आऊँगा तो फिर तुमसे मिलूँगा, बात करूँगा। फिर प्रभुपाद कुछ दिन के बाद जुहू जब आए तो दीक्षा का कार्यक्रम था, भक्तों की दीक्षा हो रही थी। तो चोर जो था वो अंदर से झांक के देख रहा था कैसे दीक्षा होता है, क्या होता है इसमें, खिड़की से झांक रहा था। प्रभुपाद देख बोले इसको बुलाओ इधर आओ। तम्बाल कृष्ण महाराज थे वहाँ, उनको बोले मैं चाहता हूँ इसको दीक्षा देना, आप इसके लिए माला की व्यवस्था करो। तम्बाल कृष्ण महाराज बोले नहीं नहीं प्रभुपाद ये चोर है, कानून चोर है, चोर है, पैसा चुराता है प्रभुपाद, बहुत पैसा चुराता है।
माल लेके आओ, जल्दी लेके आओ माल। तो महाराज नहीं ले, बोले प्रभुपाद ये दीक्षा के योग्य है नहीं। प्रभुपाद ने अपना माला पकड़ा दिया उसके हाथ में, बोले आज से तुम्हारा नाम हरिदास ठाकुर। दीक्षा दे दी और प्रणाम किया उस चोर ने, प्रणाम किया तो पॉकेट से चॉकलेट दिया। प्रभुपाद बोले प्रणाम करो, अब गुरु को प्रणाम करना चाहिए दीक्षा के बाद। प्रभुपाद बोले ये क्या है? बोले वो मार्केट में खरीदता है प्रभुपाद। तमाल कृष्ण महाराज बोले ये मार्केट से खाता है खरीद के। प्रभुपाद बोले आज से मत खाना। तो चोर का उद्धार किए प्रभुपाद जी, है ना। वो बाद में हरिदास ठाकुर प्रभु बहुत सीनियर डिवोटी बन गए। अभी वो ITV जो है ना, इस्कॉन टेलीविजन, उसके डायरेक्टर है। ऐसे कई केसेज हैं जिसके प्रभुपाद ने लोगों का उद्धार किया। कोई भी व्यक्ति यूजलेस नहीं है। हर व्यक्ति भगवान ने जिसको भी बनाया है उसके हृदय में, उसके पर्सनालिटी में कुछ विशेष डाला है भगवान ने। उसके महत्व को पहचानने वाला व्यक्ति नहीं होता है ना। कहते हीरा जो है उसको कोई सब नहीं पहचान सकता है। इसलिए इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरा जीवन कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। ऐसे लोग समाज में रहते ऐसा फील होता है, क्योंकि लोग उसको उनको ऐसा फील करा देते हैं। बहुत ही संसार ऐसा है, अन्यथा हर जीव एक हीरा है। प्रभुपाद जी ऐसे थे, सबके अंदर उनको हीरा दिखता था। जो भी मिला उसको तराश दिया।